ले चलते हैं आपको मथुरा नगरी के अगले कुछ खास खबरों की ओर, जहां पर दबंगों की दबंगाई आई है सामने। दबंगों के द्वारा ग्राम प्रधानों की मिली भगत से तालाब क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करने का किया जा रहा है प्रयास, नहीं हो पा रही लोगों की किसी प्रकार की कोई सुनवाई। मथुरा कोसी क्षेत्र के गांव जटवारी में भूमाफियाओं ने 100 वर्ष पुराने तालाब को घेरने में गांव प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल की मिलीभगत से अवैध कब्जा किया जा रहा है। जमीन खसरा संख्या 556 पोखर को घेर रखा है। क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसील दिवस, मंगल दिवस आदि अन्य सभी जगह ज्ञापन देकर थक चुके हैं, किंतु किसी प्रकार की अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही। प्रार्थी एखेराम पुत्र गट्टी, विजय पुत्र राधे, तेज सिंह पुत्र लखनलाल, भंवर सिंह पुत्र राम सिंह, जीतराम आदि लोगों के द्वारा कई बार शिकायतें की गई हैं और इन गरीब परिवारों की मदद कौन करेगा, भगवान इनका मालिक है। और क्षेत्रीय पटवारी ने 50,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी है। ये गांव के पानी तालाबन में जाए सर, ये खुद जाने चाहिए और कब्जे हट जाने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये समस्या कब से है आपके क्षेत्र में? ये घने दरार चली आ रही है। दरखास्त दिया में एकदम डीएम साहब देख चले आ में कहानी, वो पटवारी पैसा मांगते हैं 50,000 रुपये। पटवारी मृतल गौतम पटवारी मांग रहे हो, बहुत वैसो पटवारी है। नो कहता है मुँह पर नौ चेंजिंग नहीं होती है। दूसरी पोखर जो 2015 में नौ चेंजिंग करी, जहाँ हुरका दहन थी 531 में, हुरका दहन असल जगह वो थी, इसी में कर प्रहलाद कुंड पहले लिखते थे जी, तो वो पल्ली साइड को मतलब तालाब 2015 में चढ़ा दियो। ये राजनीतिक कारण नहीं है रे सरकार में हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पटवारी आपसे 50,000 रुपये की मांग करता है, क्या नाम है पटवारी का? मृतल गौतम पटवारी है। नो कहता है जब तू 50,000 रुपये दे देगो, इसकी नो चेंजिंग मैं कर दूँगा, खतून नक्साम दर्ज कर दूँगा, जब तक इसको नहीं खोदेगो। और दुनिया भर में दरखास्त दे रू सर, दरखास्त आ जाए, इन सब दरखास्त ने खाए जाए। वर्तमान जो तारा देवी प्रधान है वो सबर ने खा रही है। आप देख पा रहे हैं हाँ जी।